आज विश्व में 700 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं जो लगभग 80 करोड़ वाहनों का इस्तेमाल करते हैं और इन सब वाहनों में लगे हैं आज के आधुनिक पहिए। इन पहियों में रिम, हब, स्पोक्स और वायर के अलावा होता है सबसे महत्वपूर्ण भाग रबर टायर। और टायर का वो भाग जो सड़क के संपर्क में रहता है उसे कहते हैं ट्रेड। ट्रेड एक रबर कंपाउंड से बनता है जो पहिए को उचित ट्रैक्शन और माइलेज देती है। जब ट्रेड घिस जाते हैं तो हमारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो हम नया टायर खरीदें या फिर पहिए पर करवाएं रीट्रेडिंग। रीट्रेडिंग यानी पुराने और घिसे हुए टायरों में रबर चढ़ाने की विधि। भारत में इस प्रोसेस की शुरुआत करने का श्रेय जाता है इंडैक को। श्री एन खेमका ने 1978 में अमेरिकन कंपनी बैंडैक के तकनीकी सहयोग से इंडैक रबर लिमिटेड की स्थापना की और 1984 से सार्वजनिक तौर पर काम करना प्रारंभ किया। इंडैक एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो बॉम्बे और दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। इंडैक की जो मैनेजमेंट है वो कस्टमर नीड के लिए बड़ी सेंसिटिव है और यही हम अपने एम्प्लॉयज़ को भी कस्टमर नीड्स की वेदर ये क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में या क्वालिटी ऑफ सर्विस के बारे में है वी मेक देम सेंसिटाइज। रीट्रेडिंग की ये टेक्निक दोपहिया वाहनों के टायरों से लेकर हवाई जहाजों के टायरों तक में इस्तेमाल होती है। टायर एक पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है। एक बस या ट्रक का नया पहिया बनाने में लगभग 22 गैलन ऑयल इस्तेमाल होता है, जबकि रीट्रेड में सिर्फ 7 गैलन, यानी धरती के सीमित संसाधनों की बचत। टायर जितनी कम कीमत में जितने ज्यादा चलेंगे उतनी ही सस्ती होंगी हमारी रोजमर्रा की चीजें। दुनिया में टायर रीट्रेडिंग की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसका प्रमुख कारण है नए टायर की ज्यादा कीमत। एक नए टायर की 25-35% कीमत में ही रीट्रेडिंग प्रणाली बना देती है पुरानी टायर को नए जैसा। भारत में ये इंडस्ट्री लगभग 3,000 करोड़ रुपए की है, जो करीबन 10% सालाना की दर से विकास कर रही है। ये इंडस्ट्री कमर्शियल व्हीकल्स पर ज्यादा फोकस करती है और हमारे देश में लगभग 70% अनऑर्गेनाइज्ड है। खेमका ग्रुप द्वारा स्थापित इंडैक रबर लिमिटेड ने 1980 के दशक में भारत में जिस कोल्ड रीट्रेडिंग तकनीक की शुरुआत की थी उससे देश के रोड ट्रांसपोर्ट में एक क्रांति आई। कंपनी ग्राहकों को प्री क्योर ट्रेड रबर से लेकर सभी संबंधित उत्पाद जो कोल्ड रीट्रेडिंग में प्रयोग होते हैं सप्लाई करती है। इससे परिवहन क्षेत्र से जुड़े लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में खुशहाली आई है। आज वो भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। याद रहे कि देश की GDP में परिवहन क्षेत्र का योगदान 5.5% से ज्यादा है। इंडैक की प्रोडक्शन यूनिट चंडीगढ़ एयरपोर्ट से 65 किलोमीटर की दूरी पर हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ तहसील में स्थित है। इंडैक परिसर में एक आधुनिक रीट्रेडिंग एवं ट्रेनिंग सेंटर भी है, जहां ग्राहकों और कर्मचारियों को उच्च स्तरीय ट्रेनिंग मुफ्त दी जाती है। आज इस व्यापार से संबंधित हर कार्य क्षेत्र में इंडैक के पास कुशल और अनुभवी प्रोफेशनल्स की एक टीम मौजूद है जो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इंडैक का सेल्स CAGR पिछले 11 वर्षों में 24% से भी ज्यादा रहा है, जो इंडस्ट्री में सबसे अधिक है। ग्राहकों की जरूरतों को देख और बेहतरीन रबर कंपाउंड का इस्तेमाल कर इंडैक ने ऐसे विभिन्न प्रकार के ट्रेड पैटर्न डिजाइन किए हैं जो हर प्रकार के रोड एप्लीकेशन में कारगर सिद्ध हुए हैं। इंडैक ट्रेड रबर को विज्ञान प्रमाणित 650 PSI तक के हाई प्रेशर से दबाया जाता है, जिससे वे बनते हैं हाई परफॉर्मेंस और लॉन्ग लास्टिंग। इंडैक के विभिन्न पैटर्न हर मौसम व भौगोलिक क्षेत्र जैसे रेगिस्तान, पहाड़ या फिर समुद्री इलाकों की जरूरतों के हिसाब से बनाए जाते हैं।
We are continuously working to improve the product standards, quality and consistency in performance. इंडेक के प्रोडक्ट में खासियत ये है, इसमें हम बफिंग और सीमेंट दोनों लगाते हैं। उच्च कोटि के कच्चे माल का इस्तेमाल कर इंडेक के ट्रेड्स बनाए जाते हैं आधुनिक तकनीक व उपकरणों से। यही कारण है कि इंडेक के ट्रेड्स होते हैं आम ट्रेड्स से कहीं ज्यादा कट्स और पंक्चर रेजिस्टेंट। मैं दिल्ली कलकत्ता चलता हूँ, इंडेक की रबर चलाता हूँ, रस्ते में गाड़ी पंचर नहीं, किसी बात की पैसे नहीं, दिल्ली आता हूँ आराम से। इंडेक की रबड़ गिटियाँ नहीं लग दिया जी, किसाई भी ठीक है, ब्रेक भी सही लग दिया, कानू कोई परेशानी है। इन ट्रेड्स में वही रबर कंपाउंड, डिजाइन और टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल होता है जो नए टायर्स को बनाने में होता है। हमें इंडेक से जो बेटर रबड़ आज तक किसी कंपनी से मिली नहीं आता। इंडेक रबड़ बहुत बढ़िया है, हम इंडेक ही लगाएंगे, इंडेक से बढ़िया कोई भी रबड़ नहीं है। इंडेक ही एक ऐसा ट्रेड है जो नवे टायर के साथ में मैच करता है और नवे टायर के जैसा सर्विस दे सकता है और देता है। मुझे इंडेक टायर की सर्विस में कभी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। इंडेक हैज बीन एंड द टेक्निकल टीम हैज बीन क्वाइट सपोर्टिव इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग एडिक्वेट नॉलेज टू देयर फ्लीट ओनर्स, फ्लीट ड्राइवर्स एंड और द पर्सन इन चार्ज ऑफ मैनेजिंग द फ्लीट। इंडेक की मशीन बहुत बढ़िया है, इंडेक का प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट फिनिशिंग बहुत बढ़िया है और रेंज और पैटर्न भी ज़्यादा है, माइलेज तो सुपर है। वी आर यूजिंग IN30 क्वेश्चन का IN30 मींस दैट वी आर कंडीशनिंग द टायर एट 99 डिग्री। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम्स आती है, मशीन्स की प्रॉब्लम आती है, टायर फेल्यूर की प्रॉब्लम आती है, प्रोसेस की प्रॉब्लम आती है, वी कॉल टू इंडेक पीपल एंड दे इमीडिएटली अटेंड अवर प्रॉब्लम। इंडेक के पास डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की सहूलियत के लिए 24 डिपो हैं। इंडेक ने 24 डिपोस खोले हैं। जैसे ही हमारा कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, उसके 4 से 6 घंटे के अंदर वो मटेरियल उसको सप्लाई कर दिया जाता है। इंडेक के साथ व्यवसाय करने का ये भी एक फायदा है कि आपको पूरा ट्रक भर का सामान नहीं खरीदना पड़ता, जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदें। पूरे भारत में इंडेक के ही ऐसे ट्रेड्स हैं जो प्री बफ्ड और प्री सीमेंटेड होते हैं, जिससे रीट्रेडिंग प्रक्रिया में समय और धन की काफी बचत होती है। इनकी माइलेज लगभग नए टायर्स के बराबर ही होती है। इंडेक की बेल्ट फिनिशिंग और पैकिंग तकनीक भी भारत में अद्वितीय है। नेचुरल और सिंथेटिक रबर, कार्बन ब्लैक, प्रोसेस ऑयल और उपयुक्त केमिकल्स के रॉ मटेरियल की कड़ी इंस्पेक्शन कर कंपाउंड मिक्स बनाया जाता है। इसके बाद कंपाउंड मिक्स की विभिन्न प्रणालियों से टेस्टिंग की जाती है। उसके बाद कंपाउंड को आधुनिक तकनीक से मैच्योर करके बनाए जाते हैं इंडेक के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद। ट्रेड्स बनाने के लिए एक्सट्रूजन और मैच्योरेशन के बाद क्योरिंग प्रणाली का इस्तेमाल होता है, जिसमें वाहनों की भौगोलिक जरूरतों के हिसाब से ट्रेड डिजाइन्स बनाए जाते हैं। इसके बाद होती है डी फ्लैशिंग, जिसमें क्योर्ड ट्रेड से फालतू फ्लैशेस को हटाया जाता है। फिर यूनिफॉर्म टेक्सचर पाने के लिए और क्योरिंग के साथ बेहतर बॉन्डिंग के लिए ट्रेड के बेस साइड को बफ किया जाता है। उसके बाद बफ्ड सरफेस को अनवल्केनाइज्ड सीमेंट से सीमेंट किया जाता है, ताकि ट्रेड का ट्रैक और बॉन्ड स्ट्रेंथ बेहतर हो। और फिर ट्रेड को पॉलिथीन शीट से पैक किया जाता है, ताकि सीमेंट सरफेस दूषित न हो। इसके बाद बफ्ड, सीमेंटेड और पॉलीपैक्ड ट्रेड्स को रोल बनाकर खिंचाव वाली पॉली शीट से लपेटकर फाइनल पैकेजिंग का रूप दिया जाता है। पैक्ड रोल्स पर पैटर्न नेम, कंपाउंड कोड, नेट वेट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर इत्यादि की लेबलिंग और बार कोडिंग की जाती है और फिर ये प्रोडक्ट तैयार होता है मार्केट में डिस्पैच के लिए। इसी तरह इंडेक की फैक्ट्री में विश्व स्तरीय उत्पादन क्रिया से रबर स्ट्रिप गम्स बनाए जाते हैं। एनवेलप बनाने की क्रिया भी बहुत खास है, जिसमें एनवेलप बिल्डिंग, टेस्टिंग और क्योरिंग प्रणाली की जाती है। रबर का ये पहिया तो अब समय का वो पहिया बन चुका है, जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को खुशी के पलों से भर दिया है। खुशी तो होगी ही जब रिट्रेड्स के इस्तेमाल से मिलेगी एक नए टायर की एक तिहाई कीमत पर उतनी ही माइलेज, यानी लोएस्ट कॉस्ट पर किलोमीटर। इंडेक्स
से बढ़िया माइलेज किसी रबड़ में नहीं मिली। इंडेक रबड़ का माइलेज अभी जो अदर ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है उनसे करीब 30% के आसपास समय एक्स्ट्रा मिलता है। इसीलिए आज इंडेक एक बड़ा और विश्व स्तरीय ब्रांड माना जाता है। इंडेक के प्लांट में बनते हैं 180 से भी ज्यादा डिजाइन और पैटर्न के विश्व स्तरीय ट्रेड्स, जिनमें OTR ट्रैक्टर ट्रेड्स भी शामिल हैं। जितने भी ड्राइवर है सारे यही कहते हैं इंडेक की रबड़ चाहिए हमारे को। इंडेक के टायर बहुत कट पंचर होते जी। सारी दुनिया ने कही ना कि इंडेक के टायर लाओ, इंडेक के टायर लाओ, इंडेक के टायर लाओ और अपना समय बचाओ। कंपनी के प्रमुख उत्पाद हैं प्रीक्योर ट्रेड रबर, अनवल्केनाइज्ड रबर स्ट्रिप गम, यूनिवर्सल स्प्रे सीमेंट और एनवेलप्स। इंडेक रीट्रेडर्स को विशेष सुविधाएं देती है, जैसे रीट्रेडिंग प्रोसेस ट्रेनिंग, इक्विपमेंट ट्रेनिंग, वर्कर ट्रेनिंग, मेंटेनेंस ऑफ रीट्रेडिंग इक्विपमेंट, सेल्स पर्सनल ट्रेनिंग, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट सिलेक्शन फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशन, पब्लिसिटी प्रमोशन सपोर्ट। हर कामयाबी के पीछे होती है एक सोच, और सोच के पीछे होते हैं ऐसे लोग जो अपने जोश, जज्बे और जुनून की वजह से टीम इंडेक कहलाते हैं। इंडेक की गौरव गाथा इनके बगैर अधूरी है। इस टीम ने अपनी मेहनत, लगन, आचार व्यवहार, ईमानदारी और जिम्मेदारी से न सिर्फ ग्राहकों को बल्कि खुद अपना जीवन बदल दिया है। इंडेक ने एक तरफ सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है तो दूसरी तरफ जमीन से अपने रिश्तों को भी बनाए रखा है। समाज के प्रति एक संस्था का जो उत्तरदायित्व है, इंडेक ने उसे हमेशा बढ़ चढ़ कर निभाया है और ये साबित कर दिया है कि मशीनों और यंत्रों में श्रेष्ठ होने के अलावा समाज सेवा का भी भरपूर जज्बा है। इंडेक ने नालागढ़ में अपनी फैक्ट्री के नजदीक कई गांवों को अपनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम जगाई है। कंपनी सीविंग ट्रेनिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग और ब्यूटिशियन कोर्स सेंटर चलाती है। स्कूलों, स्पोर्ट्स, स्थानीय और सामाजिक उत्सवों में भी चैरिटी करती है और फूड प्रोसेसिंग और प्रेजर्वेशन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करती है और हर महीने अनाथ बच्चों को आर्थिक मदद भी देती है। इंडेक के बारे में 5 चीजें मैं मेंशन करना चाहता हूँ। पहली है क्वालिटी। हमारा ये बिलीव है कि हमारी बेस्ट क्वालिटी है कंट्री में। नंबर 2 है हमारी प्राइसेस बहुत रीजनेबल है। ये दोनों चीज़ों को कंबाइन करो तो हमारा लोएस्ट कॉस्ट पर किलोमीटर आपका वर्कआउट होगा। नंबर 3 है इजी अवेलेबिलिटी। हमारे 25 से ज़्यादा डिपो हैं ऑल ओवर द कंट्री। इसकी वजह से जिस आदमी को जिस वक्त भी जितना भी मटेरियल चाहिए वो ले सकता है। नंबर 4 है पैटर्न। हर महीने हम नए पैटर्न लेते आते हैं। लास्ट ऑफ ऑल एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इज़ एथिकल वैल्यूज़। हम अपने बिहेवियर में, हमारी डीलिंग्स में विद कस्टमर्स, विद सप्लायर्स बहुत ही एथिकल रहते हैं, ताकि हमारे जो जब हमसे डील कोई करे तो उसको ये हो कि एक बड़ी ऑनेस्ट कंपनी के साथ डील कर रहे हैं। इंडेक रबर एक पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों वाला व्यवसायी परिवार है। रीट्रेडर्स, डीलर्स और ट्रांसपोर्टर्स इस परिवार के अभिन्न अंग हैं। सभी साथ यूं ही मिलकर चलें तो इंडेक देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को यूं ही निभाता रहेगा।